रहे दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मोमोज। ये देखिए, मेरा भांजा है, मेरी सिस्टर का बेटा, ये आया था। तो ये कह रहा था मासी चाइनीज प्लेटर बनाते हैं मिलकर। तो हमने कहा चलो बेस्ट आइडिया है। तो यहाँ पर जो है चॉपिंग हो चुकी थी, सुबह ही मैंने आपको दिखाया था कि वेज मोमोज मैंने बनाए थे। तो उसी वक्त मैंने थोड़ी वेजिटेबल्स जो है वो ज़्यादा चॉप कर ली थी। इसमें डाला है बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और कलर के लिए थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में देगी मिर्च, और ऐड किया है आधा पैकेट मैगी मसाला, मसाला मैजिक जो होता है उसको अच्छे से मिक्स किया। इसमें डाल दिया फिर डेढ़ बड़ा चम्मच मैदा और आधे से थोड़ा कम जो अरारोट होता है वो डाल दिया था। कॉर्नफ्लोर नहीं था हमारे पास, अरारोट था, तो वो भी हम डाल सकते हैं। तो ये मुझे बताता जा रहा था कि कितनी कितनी क्वांटिटी में डालना है, तो मैं उसी तरह से कर रही थी। अभी हम बना रहे हैं इसके वेज मंचूरियंस। तो सारी इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स कर लिए थे। अब हम इसके जो है वो राउंड बॉल्स बना रहे थे मंचूरियन के शेप के। तो मैं गोलू से पूछ रही थी कि देखो इस तरह से ठीक है इतना साइज़ का। तो उसके बाद हमने जो तेल गर्म होने के बाद मीडियम हॉट ऑयल में कोफ्ते जो है वो तलने के लिए रख दिए थे मंचूरियंस। और यहाँ पर गोलू आपको एक खोल के दिखा रहा है कि अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। अब हम एक बैटर बनाने जा रहे हैं, जिसमें लिया है एक चम्मच मैदा और आधा चम्मच अरारोट पाउडर। उसमें डाला है थोड़ा सा नमक और देगी मिर्च। इसका हम एक स्लरी टाइप बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, जिससे कि इसमें लम्ब्स ना पड़ जाए, और एक स्लरी बना के रख लेंगे। इसमें जो है अब हम बनाएंगे मशरूम के मंचूरियन। ये देखिए, मशरूम जो है उसकी जो डंडिया होती है वो निकाल दी थी, और सिर्फ जो नीचे का पार्ट होता है उसको बैटर में हमने डिप करके और फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन मशरूम के जो ये मंचूरियन है इनको फ्राई करते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मशरूम में काफ़ी पानी होता है, आपको पता ही होगा। तो इसमें जो काफ़ी तेल जो है वो छिटक कर बाहर आ रहा था, तो हमने इसको बहुत ध्यान से फ्राई किया था। अब ये देखिए जो है ये मसाला एक आता है मंचूरियन मसाला, तो वही हम पैकेट हम ले आए थे एक पैकेट। इसको हम आधा आधा यूज़ करेंगे, आधा जो है वो वेज मंचूरियन में और आधा जो है वो मशरूम वाले मंचूरियन में। अब देखिए एक तड़का लगा रहे हैं, तेल गर्म होने के बाद इसमें ऐड कर दिया था बारीक कटा हुआ अदरक और स्लाइस में कटे हुए शिमला मिर्च, प्याज और जूलियंस में कटे हुए गाजर। ये हो रहा है मशरूम का तड़का बन रहा है वेज मशरूम वेज मंचूरियन का। उसमें ऐड किया है थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ग्रीन चिली पाउडर, और जो हमने मसाला का जो एक बैटर बना के रखा हुआ था पानी डिप करके वो ऐड कर दिया, अभी आधा ही ऐड किया है। और इसके बाद इसमें ऐड कर दिए थे मंचूरियन बॉल्स, उसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पका लेंगे। और जितनी क्वांटिटी आपको पानी की चाहिए, जितनी आपने इसकी ग्रेवी बनानी है उतना आप पानी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक ग्लास पानी ऐड किया था करीब। तो यहाँ पर इसको मिक्स करके अच्छे से धीरे धीरे बॉईल करते रहेंगे। और जो स्लरी हमने बनाई थी उसमें से ही दो चम्मच स्लरी ले ली, थोड़ा सा पानी उसमें ऐड किया, मिक्स किया उसको अच्छे से। और ये जो बैटर है, ये जो हमने स्लरी बनाई है, वो हम जो मंचूरियंस बन रहे हैं उसके अंदर ऐड कर देंगे, जिससे कि इसके अंदर एक वॉल्यूम आ जाएगा, एक थिकनेस आ जाएगा। बस इसको अच्छे से पकाते रहेंगे, जितना गाढ़ा आपको करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गोलू है वो टेस्ट करके देख रहा था और बता रहा था कि बहुत अच्छा टेस्ट आया है, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। इसको थोड़ी देर और पकाएंगे जिससे कि इसकी थिकनेस जो है रिक्वायर्ड थिकनेस उस पर आ जाए। इसके बाद ऐड कर दिया था इसके ऊपर हरा धनिया। एक और तड़का हम लगा रहे हैं, इसमें हम लगाएंगे वेज जो हमने मशरूम मंचूरियन बनाए हैं उसका। तेल गर्म होने के बाद वही सब ऐड किया है, बारीक कटा लहसुन, बारीक कटा अदरक, जूलियंस में कटे हुए प्याज, और कोई सब्जी नहीं जाती है इसमें, थोड़ा सा रेड चिली सॉस, बस इतना ही। और उसके बाद ऐड कर दिए थे इसमें मशरूम मंचूरियंस जो फ्राई करके रखे हुए थे।
अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जो बच गया था हमारा मसाले वाला बैटर, उसको ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। और बस इसको हमने ड्राई ही बनाया था ऐसे ही टेस्ट के लिए, खाने के लिए। इसमें अभी हम और कुछ नहीं ऐड करेंगे और इसको पकाते रहेंगे अच्छे से चलाते हुए, क्योंकि जो मसाला है वो नीचे लग ना जाए, तो इसको कंटिन्यूसली स्टिर करते रहेंगे। ये भी बनके तैयार हो चुका था। अब हम तड़का लगा रहे हैं अपने नूडल्स का। तेल गर्म होने के बाद ऐड किया है इसमें बारीक कटा लहसुन, बारीक कटा हुआ जिंजर, जुलियंस में कटे हुए शिमला मिर्च, और थोड़े से यहाँ पे डाले हैं हमने गाजर के जुलियंस, और लंबा कटा हुआ प्याज इसमें डाल दिया है। इसमें जो सब्जियाँ हैं वो एक ही शेप और एक ही साइज़ की कटेंगी। इसको अच्छे से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। सब्जियों में थोड़ा क्रंच रहना चाहिए। इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा नमक। नमक बहुत थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हम इसमें जो है एक मसाला डालेंगे उसमें ऑलरेडी नमक होता है, और नूडल्स को बॉईल करते टाइम भी नमक डाला था, तो ज़्यादा ना हो जाए तो थोड़ा सा ऐड किया है अभी। अभी ये देखिए जो नूडल्स हैं वो काफ़ी देर पहले बॉईल करके रखे थे, तो थोड़ा ज़्यादा बॉईल हो गए थे तो इसलिए आपस में चिपक गए। तो इसका एक टिप यहाँ पे गोलू बता रहा था कि इस तरह से हम तेल ले लेंगे हाथों में, और तेल थोड़ा सा है जो वो नूडल्स के ऊपर भी डाल देंगे, और इनको ऐसे उछाल उछाल करके खोलेंगे तो ये जो इनके अंदर टैंगल हो जाते हैं ये आपस में ये खुल जाते हैं। और देखिए ये ऐसे खोल खोल के वापस उसमें कढ़ाई में डाल रहा था तड़के में। और उसके बाद डालने के बाद जो है ये दो करछियों से इनको उछाल उछाल के मिक्स कर रहा था, तो इसके जो सारे टैंगल्स हैं वो खुल रहे थे। अब इस नूडल्स में हम ऐड करेंगे एक मसाला। वैसे तो आप भी जानते होंगे इस मसाले के बारे में। अगर आपको समझ आ गया कि हमने कौन सा मसाला डाला है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस मसाले से इन नूडल्स का जो है वो एक अलग ही लेवल का टेस्ट आ गया था। बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, और कुछ भी एक्स्ट्रा हमें जो है सॉसेज डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतने में ही बहुत अच्छे ये नूडल्स बन गए थे। तो बनकर तैयार है हमारा आज का चाइनीज प्लेटर। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर लीजिए। कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर हमने सर्व कर लिए थे अपने नूडल्स, वेज मंचूरियन और मशरूम मंचूरियन। साथ ही सवेरे जो मैंने बनाया था एक रेड चटनी, रेड चिली सॉस, और साथ में ही मैंने बनाए थे यहाँ पर वेज मोमोज। वो भी यहाँ पे 3 से 4 पीस बच गए थे, तो वो भी मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। तो हम सब ने मिलकर अपना डिनर एंजॉय कर लिया था। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे जो है वो काफ़ी काला दिख रहा होगा क्योंकि लाइट चली गई थी, तो हम 3-4 मोबाइल की लाइट से, इमरजेंसी लाइट से सब शूट कर रहे हैं क्योंकि गोलू को जाना था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल, ग्रेटिट्यूड।